हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, डीएडिसन स्पेशलिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट। आज बात करेंगे कि डिप्रेशन बार बार क्यों होता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जब उनको दोबारा डिप्रेशन हो जाता है वो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब ये दोबारा क्यों हो गया, क्यों ये डिप्रेशन बार बार हो जाता है। मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। रिसर्च ये बोलती है कि अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है एक बार तो दोबारा होने की संभावनाएं 60% बढ़ जाती है। दोबारा हो जाता है तो 70% तिबारा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जितनी बार डिप्रेशन होगा अगली बार डिप्रेशन होने की संभावनाएं और बढ़ जाती है। और मुख्यतः उन लोगों के साथ में परेशानी आती है जिन लोगों का डिप्रेशन कम उम्र में चालू होता है। जैसे 20 साल की उम्र में, 25, 30, 35 साल की उम्र में डिप्रेशन चालू होता है तो उनका डिप्रेशन बार बार होने की संभावना और बढ़ जाती है। एक और, जिनके परिवार में किसी को डिप्रेशन, जैसे फादर मदर को डिप्रेशन है या सिस्टर या ब्रदर को डिप्रेशन है, उसमें अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो उनका डिप्रेशन भी बार बार होता है, लगातार भी रहता है। तो जिनके परिवार में डिप्रेशन है, हेरिडिटरी है, उनके भी डिप्रेशन बार बार होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। फिर स्ट्रेसफुल इवेंट, जैसे किसी की डेथ हो गई, डाइवोर्स हो गया, किसी के अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों के साथ इशू चल रहा है, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का तनाव। और अगर पहले डिप्रेशन हुआ है तो जब भी दोबारा तनाव आएगा तो उसमें डिप्रेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बहुत बार क्या होता है कि जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, जैसे ही ट्रीटमेंट का असर आने लग जाता है, जैसे उनके लक्षण 2-3 सप्ताह में, 1-2 महीने में इम्प्रूव हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा डिप्रेशन ठीक हो गया और वो अपने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट बिना सलाह के बंद कर देते हैं, तो पहले दवाइयां बंद करने की वजह से भी दोबारा डिप्रेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर पहली बार किसी को डिप्रेशन हुआ है तो उसको कम से कम 6-9 महीने तक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अगर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार डिप्रेशन हुआ है तो हो सकता है ट्रीटमेंट 1 साल, 2 साल, 5 साल भी चले। तो बिना सलाह के ट्रीटमेंट बंद नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि सुसाइड का रिस्क, जो लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं उनके अंदर सुसाइड का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, इसलिए डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान काम पे नहीं जाता और इसको दूसरे पायदान पे रखा गया है। सबसे मुख्य बीमारी है वो है हार्ट से संबंधित, जिसकी वजह से इंसान काम पे नहीं जाता, और दूसरी मुख्य बीमारी है डिप्रेशन, जिसकी वजह से इंसान काम पे नहीं जाता। और बार बार डिप्रेशन उन लोगों में भी कॉमन है जिनको दूसरी बीमारियां, जैसे थायराइड की समस्या है, डायबिटीज है, हार्ट की समस्या है, किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या है, इन लोगों में भी डिप्रेशन बार बार होता है और हो सकता है लंबे समय तक चले। और कुछ लोगों में क्या होता है कि डिप्रेशन के साथ में दूसरी साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, जैसे उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, उनको ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों में भी डिप्रेशन बार बार होता है। जैसे उनको एंजाइटी के सिम्टम्स आने लगे, जैसे पैनिक अटैक आया, जैसे फोबिया के लक्षण बढ़े, ऐसे पेशेंट्स के अंदर डिप्रेशन वापस जल्दी हो जाता है, तो उन लोगों में भी बार बार डिप्रेशन बहुत कॉमन है। फिर नशा, जो लोग एल्कोहल लेते हैं, अफीम लेते हैं, या किसी भी तरह का स्मोकिंग करते हैं, या किसी भी तरह का नशा लेते हैं, उन लोगों के अंदर भी डिप्रेशन बार बार होता है। देखिए, ऐसा है कि डिप्रेशन अगर एक बार होता है तो दूसरी बार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे में आपको एक सिंपल एग्जांपल दे करके बताता हूं। जैसे किसी को हाथ का फ्रैक्चर हो गया, हाथ का फ्रैक्चर हो गया, ठीक हो गया, अब कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद वो वापिस गिरता है तो इस हाथ का फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर तीसरी बार गिरेगा तो फिर इसके हाथ की संभावनाएं जो है कि उसको फ्रैक्चर हो जाए, तो जितनी बार गिरेगा उसमें इस हाथ के फ्रैक्चर होने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी बदनिस्बत इस हाथ के। तो ब्रेन में भी ऐसा ही होता है, एक बार डिप्रेशन हुआ तो सेंसिटिव हो जाता है, एक बार डिप्रेशन हुआ तो दूसरी बार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, दूसरी बार हुआ तो तीसरी बार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जैसे फिजिकल बीमारियां एक बार होती है दूसरी बार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसी तरीके से अगर एक बार किसी को डिप्रेशन हुआ है तो दूसरी बार डिप्रेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, ये चैनल मैंने मानसिक रोगों की जानकारी देने के लिए और सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है, और मैं आशा करता हूं कि इस चैनल से
आपको बहुत हेल्प होती होगी, इन वीडियो से आपको हेल्प होती होगी। तो मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।